नाजी मैं आपका खिदमत गुजार होस्ट पतरस मंजूर कल्याण और आज मैं फैसलाबाद बोड़ों वाली ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल मैच जो एसपीएस फैसलाबाद बा मुकाबला शेरा स्टार गुजरांवाला के दरमियान खेला जाएगा और मेरे साथ जैन क्रिकेट क्लब के प्रेजिडेंट आसिफ इस्लाम मौजूद हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, फैसलाबाद बोड़ों वाली ग्राउंड में विकेट भी तैयार हो चुका है, ग्राउंड भी सज चुका है, बड़ा ज़बरदस्त शायकीन भी आ चुके हैं और आसिफ इस्लाम से हम पूछेंगे आज के मैच के बारे में, इस इवेंट के बारे में। आसिफ भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ भाई बड़ा ज़बरदस्त मैच है आज, सेमीफाइनल मैच है, आपके ख्याल में कौन सी टीम मैच जीतेगी? ये हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, हमारी तो सारी एफिलेशन फैसलाबाद से है, हमें उम्मीद भी है कि फैसलाबाद बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, ये आज का मैच ये विन करेगी इंशाल्लाह, फाइनल के क्वालिफाई करेगी। तो और इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट से ये सेकंड बीएमके टी20 जो टूर्नामेंट है फैसलाबाद की हिस्ट्री का नंबर वन टूर्नामेंट है, ऑल क्रेडिट गोज टू एसपीएस प्रेसिडेंट राणा शकूर साहब और उनकी टीम को जाता है जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया फ्री ऑफ कास्ट। ये फैसलाबाद की हिस्ट्री का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है जिसमें लाखों रुपये करोड़ों रुपये लागत आई है, फ्री ऑफ कास्ट ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। नाज़रीन ये थे मेरे साथ आसिफ इस्लाम जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, जैन क्रिकेट क्लब के प्रेजिडेंट आसिफ इस्लाम, और इनसे हम पूछेंगे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है क्रिकेट में? ये मेरा दोस्त, मेरा 35 साल पुराना दोस्त सहेल नज़ीर मुन्ना जो मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है क्रिकेट में सहेल नज़ीर मुन्ना। नाज़रीन अपने खिदमत गुजार होस्ट पतरस मंजूर कल्याण को और आसिफ इस्लाम जैन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ ही देर बाद फाइनल को भी इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।